जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो रिसर्च सेंटर। तो आज का टॉपिक देखने से ही लग रहा होगा कितना इंटरेस्टिंग है और सेडिमेंट्री जियोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो रॉक कैसे डिपोजिट होती है और उस रॉक को डिपोजिट होने में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, राइट? या जो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं तो उसमें किसका रोल होता है, तो जाहिर सी बात फ्लूइड से ही सेडिमेंट्री रॉक बनती है। जब फ्लूइड के साथ सेडिमेंट फ्लो करते हैं तो उस फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टी होती होगी, तो उस प्रॉपर्टी के बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे, क्योंकि जो फ्लूइड की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ही क्या करती है, उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर बनते हैं उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टी की वजह से। और इसमें हम बेसिकली ये पांच चीजें पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक है फ्लूइड डायनेमिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे हर बार जीएसआई में या गेट में हर जगह इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए, ये जो टॉपिक है फ्लूइड डायनेमिक्स, थोड़ा सा फिजिक्स के लॉ लगेंगे लेकिन बहुत आसान। अभी देखिए, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, फ्लूइड फ्लो। तो फ्लूइड जो फ्लो करता है तो कौन कौन से फैक्टर वर्क करते हैं, विस्कोसिटी, डेंसिटी या उसमें ग्रेविटी का क्या रोल है, राइट? या जो ग्रेडियंट क्या है चैनल की, वो सारी चीजें हम बात करेंगे फ्लूइड फ्लो में। दूसरा है रेनॉल्ड नंबर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम किस टाइप का फ्लो है वो डिफाइन करने के लिए, टर्बुलेंट फ्लो है, क्रिटिकल फ्लो है या लैमिनर फ्लो है, तो उसको डिफाइन, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो ही डिफरेंट तरीके से इरोजन करते हैं, डिपोजिशन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसका बहुत रोल है सेडिमेंट्री जियोलॉजी में। फ्रॉड नंबर, इससे डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर है, वेव्स, ड्यून्स या किस टाइप से स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये इससे डिफाइन होता है। पार्टिकल इंट्रेनमेंट बाय करंट, इंट्रेनमेंट का मतलब कि भाई करंट फ्लो हो रही है तो इरोजन करके या कोई सेडिमेंट पड़े हुए हैं उसको कैसे फ्लूइड उठा पा रहा है, अपने साथ फ्लो करते हुए ले जा रहा है, तो ये जो फ्लूइड पार्टिकल इंटेनमेंट है तो उसको उठाने में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, भाई पार्टिकल पड़ा हुआ है उसको उठाएंगे फ्लूइड के साथ, फिर उसमें इंटर करके वो फ्लो होते चला जाएगा, तो कौन से फैक्टर है या क्या क्रिटिकल सिचुएशन बनेगी जब वो ग्रेन साइज को या पार्टिकल को उठा पाएगा, कौन कौन से फैक्टर इसमें काम करेंगे, राइट? कौन कौन चीजें रेगुलेट करेंगी, साइज है या उसका शेप है, ये सारी चीजें। तीसरा है पार्टिकल सेटलिंग, भाई एक बार जब पार्टिकल फ्लूइड के साथ उठ गया तो कहीं ना कहीं सेटल भी होगा, डिपॉजिट भी होगा, तो उसमें भी फिजिक्स लगती है, कैसे वो किन किन फैक्टर्स काम करके वो डिपॉजिट होता है और किस टाइप के सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये इसके पीछे जब साइंस समझेंगे कैसे है तो बहुत कहानी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह आप समझते जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। और फिर आप जब सेडिमेंट्री ये चीज पढ़ेंगे बुक से या कहीं पे, बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो देखिए, एक टीचर का काम क्या होता है कि आपको उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट पैदा कर देना, आपको मजबूर कर देना कि आप बुक उठा के पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो आप देखो, बेस्ट टीचर की यही क्वालिटी है, आप किसी तरह से बच्चे को उस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर दीजिए, फिर वो बच्चे तो अपने आप पढ़ लेंगे, राइट? तो सबसे मेन थिंग है कि कैसे आप कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं कितना इंटरेस्टेड हो जाए बच्चा, तो हम वही कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आए, तो अभी इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम फ्लूइड फ्लो की बात करेंगे, राइट? फ्लूइड, तो देखिए फ्लूइड फ्लो की जैसे बात आती है, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, राइट? कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, फिनोमिना है। तो अब देखिए, जब फ्लूइड की प्रॉपर्टी अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है, सोचो जब इसमें ग्रेन्स आ जाते होंगे, पार्टिकल आ जाते होंगे, भाई सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री जियोलॉजी में यही तो होता है, फ्लूइड के साथ भाई इरोड हुआ, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो किसके थ्रू होगा, फ्लूइड के थ्रू या तो विंड के थ्रू, राइट? या मास वेस्टिंग में क्या होता है कि वो हाई स्लोप से, मतलब हाई एलिवेशन से लोअर एलिवेशन तक ले आएगा, बस इससे ज्यादा वो मूव नहीं करा पाएगा, जैसे ग्रेविटी के थ्रू, स्लोप अगर नहीं है तो वो कैसे मूव करेगा, तो उसके लिए विंड चाहिए, रिवर चाहिए, वाटर चाहिए, फ्लूइड चाहिए, राइट? तो ये अपने आप में ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, अच्छा अब इसमें ग्रेन्स आ जाएंगे तब ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट? तो इस चीज को बस समझना है। तो इसमें देखिए,
विस्कोसिटी, डेंसिटी, है ना, ये सारी चीजें इस फ्लूइड फ्लो को डिफाइन करती हैं, उसकी प्रॉपर्टी को बताती हैं। तो अभी देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे डेंसिटी, अब देखिए फ्लूइड की डेंसिटी की बात आए तो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का मतलब क्या है, कितना वो वेट है, राइट। तो अब यहां एक चीज समझिए कि जब फ्लूइड की जो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो उसका मास बढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है किसी फ्लूइड का। तो अब देखिए ये कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे सेडिमेंट्री ज्योलॉजी में, डेंसिटी अगर फ्लूइड की बढ़ रही है। देखिए सपोज करिए कि कोई वाटर फ्लो हो रहा है, ये ठीक, तो किसी बेड के ऊपर ये बेड है, ये फ्लो हो रहा है ये बेड का। तो अभी देखिए, अब यहां पे कुछ सेडिमेंट पार्टिकल सपोज करिए पड़े हुए हैं इस बेड के ऊपर, अब इसको उठाना है। तो अब देखिए अगर डेंसिटी ज्यादा होगी इस फ्लूइड की तो क्या होगा, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो जाहिर सी बात ये इसको जो उठा पाएगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज, ये डेंसिटी होगी तो इसको फ्लो कर पाएगा, जो पार्टिकल उठे होंगे या उसके साथ जो ऑलरेडी होंगे उनको फ्लो कर पाएगा। अगर डेंसिटी कम होगी तो ये नहीं उठा पाएगा, या जो सेटलिंग रेट है जैसे इसके साथ जो भी फ्लूइड के साथ पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, तो जैसे सेटलिंग रेट हाई है, जल्दी जल्दी सेटल्ड हो रहा है, नीचे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो अगर डेंसिटी हाई हो गई तब क्या करेगा ये फ्लूइड, उसको नहीं सेटल होने देगा क्योंकि ऑलरेडी भाई वो बोलेगा कि हम चलो अभी नहीं तुमको यहां सेटल होने देंगे, आगे ले जाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि कोई एक कोई बंदा है वो 100 लोगों को लिए जा रहा है एक भीड़ में, ठीक, तो अगर उसको स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, राइट, और वो मैनेज नहीं करना आता है कि जिस 100 लोग अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे होंगे, सेम वेलोसिटी तो होगी नहीं, तो अगर जो बंदा उसको लीड कर रहा है, बोला जाए 100 लोगों को यहां तक पहुंचाना है, तो अगर वो मैनेज नहीं कर पा रहा है सब लोगों की वेलोसिटी के साथ, यानी सबको ये नहीं कि वो बहुत तेजी चलता चला जा रहा है तो बीच में पीछे छूट जाएंगे, ढूंढते रह जाओगे, तो अगर वो सबके साथ मैनेज नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा कि वहां तक 85 या 20 लोग पहुंचेंगे। तो उसका मेन काम है कि कोई धीरे चल रहा है या बैठने लगा उसको पुश करना, मोटिवेट करना, तो ऑलरेडी उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए उसमें। तो डेंसिटी का यही रोल है कि ऑलरेडी उसमें स्ट्रेंथ है जो पार्टिकल को सेटल नहीं होने दे रहा है, वेट है फ्लूइड में तो आगे तक फ्लो करता हुआ ले जा रहा है। अब देखिए दूसरा, डेंसिटी से क्या फायदा होगा, जब ये किसी उसमें फ्लो कर रहा होगा पानी, तो जाहिर सी बात जो स्लोप होगा कुछ ना कुछ ग्रेडियंट होगी, रिवर में जब भाई माउंटेन से फ्लड प्लेन पर आती है कुछ ना कुछ उसमें स्लोप, तभी तो वाटर पानी भाई बिना स्लोप के तो फ्लो नहीं करेगा, राइट। तो जब स्लोप है तो उसमें ग्रेविटी इफेक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटी लग रही होगी, तो सोचो अब डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा ग्रेविटी लगेगी, फ्लो बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा वैसे सेटलिंग वेलोसिटी है या इरोजन है, पार्टिकल इंटेंडमेंट, सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। तो हमने समझा भी कि डेंसिटी का कैसे रोल है सेडिमेंट को डिपोजिट करने में, इरोड करने में या अपने साथ ले जाने में। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है, विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है किसी भी फ्लूइड की, उससे डिफाइन होता है कि वो कितना फ्लूइड को फ्लो होने से रेजिस्ट कर रहा है, राइट, दिस इज द रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड व्हिच अपोज टू फ्लो ऑफ द फ्लूइड, मींस कि उसने कितना फ्रिक्शन, भाई अपोज का मतलब कोई फ्लो कर रहा है उसके अपोज अगर वेलोसिटी है फ्लो कर रहा है, या फ्लूइड के केस में फ्लो ही करेंगे, अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो क्या बोलेंगे, मूव कर रहा है चल रहा है, तो उस मोशन को उस फ्लो को अगर आपको डिक्रीज करना है अपोज करना है तो क्या लगेगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही एक प्रॉपर्टी है उसको अपोज करेगा, जैसे सॉलिड के केस में उस सॉलिड के में फ्रिक्शन लगता था, राइट। तो इसमें जो फ्रिक्शन वो लग रहा है उसको बोल देते हैं विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी, तो जो फोर्स लग रहा है उसको अपोज कर रहा है वेलोसिटी को उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स,
तो इसको अभी समझेंगे कैसे ये अफेक्ट करता है डिपोजिशन को, पार्टिकल डिपोजिट होने में या इरोड होने में या इंट्रेनमेंट होने में। तो अभी देखिए एक कॉन्सेप्ट को अभी समझिए कि सपोज हमें पता है कि फ्लूइड जैसे ये है, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है डिफरेंट लेयर में, राइट। अब देखिए ये फ्लूइड डिफरेंट लेयर में फ्लो कर रहा है, तो सोचिए ये जैसे ये फ्लो हो रहा है, ये लेयर वी वेलोसिटी से अगर चल रही है तो क्या नीचे वाली लेयर वी वेलोसिटी से चल रही होगी? नहीं। ये क्या लेयर करेगी, इसको ये लेयर ऊपर भाई इधर जाएगी तो ये लेयर क्या करेगी, फ्रिक्शन लगाएगी इधर की ओर, राइट, क्योंकि ये लेयर सेम वेलोसिटी से नहीं मूव कर रही है तो ये इसको अपोज करेगी, और ये लेयर क्या करेगी इसको इस तरफ भगाने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन एक इधर लगेगा। तो वैसे इस लेयर में होगा, ये जब इस लेयर ऐसे मूव कर रही होगी तो इसके इधर ये फ्रिक्शन इधर अपोज कर रहा होगा, राइट। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर के बीच जो फ्रिक्शन काम कर रहा है, इसी को हम, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये कौन सा फोर्स है जो अपोज कर रहा है, इसी को बोलते हैं विस्कस फोर्स, राइट, विस्कस फोर्स। तो अब देखिए, अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर में अलग अलग फोर्स लग रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो वाटर है, सपोज करिए ये वाटर पूरा वाटर कॉलम है, क्यों सिंगल लेयर में नहीं फ्लो करता है, व्हाई इट इज मूविंग इन अ मल्टीपल लेयर। आप चाहे रिवर का वाटर ले लीजिए, चाहे ओशियन का वाटर ले लीजिए, किसी का वाटर नॉट मूविंग अ सिंगल वाटर कॉलम। सपोज ये ओशियन है, ओशियनिक बॉडी है, तो ये जैसे ऐसे वाटर है तो ये नहीं कि पूरा ये जैसे डेप्थ है तो ये पूरा एक वाटर कॉलम ऐसे सिंगल वाटर कॉलम में नहीं मूव करता है। तो ये दिमाग में आ रहा था क्यों नहीं मूव करता है, क्या रीजन है? जाहिर सी बात है, ऐसे रिवर के केस में, रिवर सपोज करिए फ्लो है रिवर, तो यहां पर भी ये पानी है तो ये कोई सिंगल वाटर कॉलम में क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है, सवाल आ रहा होगा ना। तो अभी देखिए हम बहुत अच्छे समझाएंगे क्यों नहीं ऐसा होता है। देखिए एक बार अगर चीजें एकदम कनेक्ट करना सीख गए ना, बहुत आसान लगेगा आपको सेगमेंटरी ज्योलॉजी या फ्लूइड मैकेनिक्स, ऑलरेडी अपने आप बुक से पढ़ लोगे। देखिए तो अभी हम देखेंगे कि ये वाटर क्यों सिंगल लेयर में नहीं फ्लो करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए कि किसी भी ओशियन का, भी हमने बताया चाहे रिवर का हो, एक सिंगल वाटर कॉलम में नहीं फ्लो करता है, कोई ना कोई रीजन रहा होगा। देखिए सपोज करिए कोई ये है एक रिवर की बेड, ठीक है, जहां रिवर फ्लो कर रहा है उसके नीचे बेड ऐसे नीचे है, ठीक। अब इसके ऊपर ऐसे फ्लो कर रहा है वाटर, ठीक। अभी क्यों लेयर बन जा रहा है वही समझाने जा रहे हैं। इसको देखिए, ये जो भाई जब फ्लो कर रहा होगा वाटर इसके ऊपर, तो ये लेयर जो बेड है फ्रिक्शन लगा रही होगी क्योंकि ये रफ सरफेस है, राइट। तो अब जब इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा तो सपोज करिए कि जो बिल्कुल जस्ट कांटेक्ट में जो लेयर है वाटर की, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, वी इक्वल टू बिल्कुल जस्ट कांटेक्ट में उसकी जीरो होगी, उसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा वेलोसिटी वी है, इसके ऊपर जाओगे वी प्लस डी वी, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। सबसे फास्ट टेस्ट जो स्पीड होगी ये अपर लेयर की होगी, इसको कैपिटल भी सपोज मान लीजिए, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गया कि नीचे से ऊपर क्यों वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और नीचे एकदम नीचे जीरो क्यों है, क्योंकि ये स्टैटिक बेड है ना, तो स्थिर अवस्था में रुकी हुई, तो इसके ऊपर जस्ट जस्ट वाटर होगी, शून्य वेलोसिटी जीरो होगी, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो एक चीज देखिए यहां पर, सपोज ये बिल्कुल जस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी जीरो, फिर इसके ऊपर कुछ वेलोसिटी आई, फिर दूसरी लेयर की उसकी इससे ज्यादा वेलोसिटी, इसकी और ज्यादा वेलोसिटी,
इस लेयर की और ज्यादा वेलोसिटी, उसके ऊपर वाली उसकी और ज्यादा वेलोसिटी, तो ये क्या है, वेलोसिटी प्रोफाइल, राइट, ये वेलोसिटी प्रोफाइल बनती जा रही है। तो अब देखिए, सपोज करिए कि आपसे कोई बोले, इसका अगर फार्मूला निकालना हो तो क्या होगा, देखिए ये सपोज करिए कि भाई ये कोई जेट है इसकी डेप्थ, राइट, और ये कोई वेलोसिटी है जो लेयर के बीच में वी लग रही है, राइट। तो अगर इन दोनों के बीच हमें निकालना हो विस्कस फोर्स, राइट, एफ विस्कस फोर्स निकालना हो तो क्या होगा, देखिए ये जो लेयर है, अब देखिए इसके बीच भाई कितना एरिया कांटेक्ट में है अपर लेयर और लोअर लेयर का, अगर एरिया को यूनिट मान लोगे तो वो निग्लेक्ट हो जाएगा। तो जो विस्कस फोर्स है एफ डिपेंड करेगा इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर, कितने एरिया पे डिपेंड करेगा। दूसरा है एफ इज प्रोपोर्शनल टू जो, अब देखिए जो वेलोसिटी है ये क्या हो जाएगा, डेल वी मतलब जितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, और ये जो डेप्थ है, तो डेल वी अपान इन दोनों लेयर के बीच में जितना डेप्थ है, राइट। तो अब ये देखिए ये बन गया, सपोज करिए कि ये जो लेयर के बीच में, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज को, देखिए तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस, माइनस मतलब अपोजिट फोर्स लग रहा है इसका, ईटा या इसको म्यू, म्यू ए और वो डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल जेड, ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये हमारा आ गया विस्कस फोर्स, ये क्या है विस्कस फोर्स एफ, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कॉफी सीएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सपोज करिए कि इन दोनों के बीच में बहुत छोटा छोटा चेंज हो रहा हो, राइट। अभी सपोज हम इसको न्यूमेरिक फॉर्म में बता रहे हैं कि सपोज इस लेयर की मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड है स्पीड, इसकी 9 मीटर पर सेकंड स्पीड है, इसकी 8 मीटर पर सेकंड, ऐसे इसकी 3 मीटर ऐसे जो चलते चले जाओगे पर सेकंड, इसकी 2 मीटर पर सेकंड ऐसे। तो अगर इन दोनों के बीच हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना हो तो क्या होगा, डेल डीवी, डेल वी अपान डेल जेड, देखो डेल वी इन दोनों लेयर के वेलोसिटी डिफरेंस 1, 10-9 1, और सपोज करिए डेप्थ 2 मीटर है इसका, 2 मीटर है इसका से, तो डेप्थ कितना है 2 मीटर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5। अब इसका क्या होता है मीटर पर सेकंड, और इसका मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा तो सेकंड इनवर्स। तो ये देखिए आ गया वेलोसिटी ग्रेडिएंट, डेल्टा अपॉन डेल्टा, राइट। तो ऐसे इस लेयर की निकालना हो तो 9-8 1 अपॉन डेप्थ, तो यहां पे देख रहे हैं कि इसकी भी 0.5 आएगी, इसकी करोगे 9-8 1 अपॉन, और डेप्थ है 2 तो 1 अपॉन 2 0.5, इसका भी 0.5, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्रेडियंट है। सपोज करिए कि यूनिफॉर्म ना हो, ये कोई जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म हर केस में हो, तो अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, यानी बहुत छोटा छोटा चेंज हो रहा हो इस लेयर के वेलोसिटी के बीच में, बहुत छोटी सी डेप्थ हो उसी, मतलब लेयर है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो, ये यहाँ जीरो वेलोसिटी, फिर ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे ऐसे बढ़ रहा हो, तो उसको क्या लिखेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट को, वेलोसिटी ग्रेडियंट को लिखेंगे डीवी अपॉन डीजेड, राइट, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू माइनस न्यू ए डीवी अपॉन डीजेड, क्लियर। अब देखिए एक चीज समझिए,
एक चीज समझिए कि F इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला निकाल लिया माइनस म्यू ए डी वी अपॉन डी सेट। अगर आप A को इधर ले आइए F इज इक्वल टू A अपॉन म्यू F अपॉन A इज इक्वल टू म्यू डी वी अपॉन डी सेट राइट। तो ये क्या है F अपान ए, इसी को बोलते हैं सीयर स्ट्रेस। स्ट्रेस का सीयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है F अपान ए फोर्स पर यूनिट एरिया सीयर स्ट्रेस राइट। तो ये सीयर स्ट्रेस तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से ऐसे, तो टाउ इज इक्वल टू माइनस सपोज करिए अगर A इज इक्वल टू वन हो राइट, तो A इज इक्वल टू वन हो तो क्या हो जाएगा F, तब जो पर यूनिट एरिया जो फोर्स लग रहा हो पर यूनिट एरिया में जो सीयर स्ट्रेस होगी उसको टाउ बोलते हैं। ये फॉर्मूला आ जाएगा राइट। तो ये देखिए सीयर स्ट्रेस इसको क्यों बोलते हैं, इसको देखिए थोड़ा सा बहुत जल्दी समझिए। सपोज करिए कि ये कोई दो प्लेट है नीचे एक ऊपर, इसके बीच में ये कोई फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये स्टॉप है एकदम प्लेट रुकी हुई, ये मूविंग अवस्था में फ्लो कर रही है मूविंग, तो जो ऑब्जेक्ट है फ्लो नहीं मूव। अब क्या करेगा ये फ्लूइड को इधर धकेलेगा ना, क्यों तो ये अपर लेयर जो फ्लूइड की है ये यहां चली जाएगी, नीचे वाली कम फ्लो कर पाएगी ऐसे। तो ये लेयर जो इसमें है ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे थोड़ा सा इसमें सियरिंग हो जाएगी। तो ये इस टाइप से ऐसे भाई ये लेयर ऐसे जा रही है ये ये ये, तो ये क्या हो गया देखो ये सियरिंग हो गई ना इस लेयर, फिर ऐसे ये बन जाएगा। तो ये जो सियरिंग हो गई उसके शेप में जो चेंज हो रहा है इस फ्रिक्शन विस्कस फोर्स की उसे, उसी को तो शेयर में चेंज। तो ये वहां से हमने निकाल दिया एफ अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस एटा या म्यू म्यू डिग्री अपॉन। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्या होता है काइनेमेटिक, इसी का मेन रोल है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो हम दो केस हैं कि सपोज करिए कि जैसे हमने फ्लूइड की बात की तो लेयर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा विस्कस फोर्स उसको हमने डील किया और ये फार्मूला। अगर इस सपोज करिए अपर लेयर पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कोई बोट को सपोज, तब इस सॉलिड ऑब्जेक्ट और इस लेयर के बीच में कैसा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्या सेम लगेगा इन जो लेयर के बीच लग रहा है अब लेयर ऑब्जेक्ट के बीच में या डिफरेंट होगा। तो देखिए अगर सरफेस में मूव कर रहा है तो सेम लगेगा, वही कॉन्सेप्ट वही थ्योरी सेम रहेगी राइट। जितना एरिया होगा उस एरिया पर डिपेंड करेगा और ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट इस बोर्ड की जो वेलोसिटी होगी और नीचे वाली लेयर की जो वेलोसिटी होगी राइट, और जितना डेप्थ ये जितना होगा। तो अब देखिए दूसरा एक आता है सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट आप इस लेयर के अंदर मूव कर रहा है यहां पे, अब क्या होगा अब प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, यहां पर भी विस्कोसिटी लगेगी विस्कस फोर्स लगेगा लेकिन वो अलग होगा। उसको कैसे डील करते हैं स्टोक थ्योरम की वजह से, स्टोक थ्योरम। तो अब देखिए ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इसको न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो न्यू अपान रो, उसमें डेंसिटी का रोल आ जाएगा। तो यही तो ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कब आएगी, जब हम कोई सॉलिड और लेयर के बीच में विस्कस फोर्स की बात कर रहे हैं विस्कोसिटी की बात कर रहे हूं उस केस में आ गया, यानी उसका जो सॉलिड पार्टिकल उस फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा हो। तो सेडिमेंट्री जियोलॉजी में यही तो मेन है क्योंकि फ्लूइड के अंदर पार्टिकल मूव कर रहे होंगे राइट। तो हम इस काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मेजर रोल है इसका भी फ्लूइड डायनेमिक विस्कोसिटी, क्योंकि जो फ्लो की प्रॉपर्टी है टर्बुलेंट लैमिनर फ्लो वो यहीं से डिसाइड होगा, बट डिपोजिशन इरोजन की प्रॉपर्टी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इसी से रेनॉन नंबर फ्लूइड नंबर वो सब अभी फर्दर पढ़ेंगे। तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला होता है ठीक है, सिंपल है कुछ टफ नहीं है।
आई होप इतना काफी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में निर्माण नंबर और फ्रॉड नंबर की बात करेंगे, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कहीं पर नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।